अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सोशल रिव्यू के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ऐमन मंजूर। अपने आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे मुआशरे में अदम बर्दाश्त के ख़तरनाक रुझान में इजाफे के हवाले से। किसी भी मुआशरे की इमारत अखलाकियात, बर्दाश्त, रवादारी और मोहब्बत के सतूनों पर खड़ी होती है, और जब ये खसूसियात समाज से रुखसत हो जाएँ तो वह तबाही की तरफ तेज़ी से गामजन होता है। यही गंभीर सूरत हाल जनूबी एशियाई मुआशरे को भी दरपेश है, जहाँ अदम बर्दाश्त का रुझान इस तेज़ी से फ़रोग पा रहा है जिसकी मिसाल नहीं मिलती। इस रुझान के बायस तशद्दुद पसंद सरगर्मियाँ भी सामने आ रही हैं। लोगों में ज़रा भी बर्दाश्त नहीं, महज छोटी छोटी बातों पर तशद्दुद से भी गुरेज नहीं करते। मुतशद्दुद वाकयात अक्सर देखने में आते हैं। पाकिस्तानी मुआशरे की अगर बात करें तो अदम बर्दाश्त और मुतशद्दुद तर्ज़े अमल के बायस अक्सर कानून की धज्जियाँ उड़ा दी जाती हैं। समाजी रवैयों में दर आई अदम बर्दाश्त और तशद्दुद की रविश की भरपूर इक्कासी करने के लिए बहुत से वाकयात हैं। बिलाशुबा इखलाके इन्हितात का ये आलम लम्हा फिक्रिया होने के साथ साथ तश्वीशनाक भी है। हमारे महजब लोग उन तमाम वाकयात पर सही गलत की तमीज़ करने की सलाहियत बखूबी रखते हैं, और गलत को ना सिर्फ गलत कहते हैं बल्कि इसकी भरपूर मजम्मत भी करते हैं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब वो खुद किसी ऐसी सूरत हाल से दो चार होते हैं तो वो भी बर्दाश्त का मुजाहरा नहीं कर पाते। ये माशरती दो अमली क्यों? दूसरी तरफ सवाल ये पैदा होता है कि लोगों में से बर्दाश्त क्यों ख़त्म होती जा रही है। इसकी वजह जानने की कोशिश की जाए तो ये हकायक सामने आते हैं कि हमारे अवाम की अक्सरियत को बेशतर मसाइल का सामना है। उनके ज़िंदगी मसाइल और मुश्किलात में दो चार हैं जिनमें कमी की कोई उम्मीद नहीं। लोगों के जहनों पर इस सूरत हाल ने इंतहाई मनफी असरात मुरतब किए हुए हैं, और तनक मिजाजी उनका खासा बन चुकी है। अवाम की अक्सरियत नफसियाती आवारिस से दो चार हो चुकी है, और उन्होंने इखलाके इकदार को बालाए ताक रख दिया है। उनमें अदम बर्दाश्त की रविश इंतहाई ख़तरनाक अंदाज में तेज़ी से फ़रोग पा रही है, जबकि वो बाज़ हालतों में तशद्दुद पर भी उतर आते हैं। ये संगीन मसला है जिसमें बेहतरी के लिए कोशिशें ढूंढने से भी नज़र नहीं आतीं। इसी मौजू पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं माहिर नफसियात डॉक्टर हुमैरा रसूल, जबकि नौजवानों की तंजीम से मुंसलिक काजी नौमान भी हमारे साथ आज के पैनल में शामिल हैं। अपने दोनों मेहमानों से गुफ्तगू का आगाज करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अपने दोनों मेहमानों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। सबसे पहले काजी साहब आपकी तरफ आते हैं और जानना ये चाहेंगे कि नौजवान किसी भी मुआशरे में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, और उन्हें कौम का सरमाया भी कहा जाता है क्योंकि मुस्तकबिल का दारोमदार भी उन्हीं पर होता है। लेकिन अगर हम जनूबी एशियाई ममालिक, ख़ास तौर पर अगर पाकिस्तान की बात करें, तो इस खत्ते में जज्बात का बे इंतहा इस्तेमाल नज़र आता है और अदम बर्दाश्त का बढ़ता हुआ रुझान खासा आम है। इसकी क्या वजह है? जी बहुत शुक्रिया, मुझे अपने प्रोग्राम में आपने इन्वाइट किया है, और बहुत अच्छा टॉपिक जो कि इस वक्त द नीड ऑफ द टाइम है वो आपने चूज़ किया है कि अदम बर्दाश्त तो हमारे अंदर बढ़ती चली जाती चली जा मेन रीज़न ये है कि बेरोजगारी बढ़ गई है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत से यूँ कह लीजिए कि कॉम्प्लेक्स का शिकार हुए हैं। और जब लोगों को अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही हैं, उनको जब अपनी जो बेसिक नीड्स हैं जब वो नहीं मिल रही, तो ऐसी सूरत हाल में अपने जो जज्बात हैं उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, और उसका वो कहीं एब्यूज़ कर रहे हैं, कहीं उन जज्बात को वो मुख्तलिफ लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देखिए कि पहले जो है किसी कत्ल का सुनते थे तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते थे, आज हमारे सामने कत्ल हो रहा होता है, अनफॉर्चुनेटली हम वहाँ पर किसी की मदद करते नहीं हैं। तो ऐसा क्या हुआ है इंसानों में, वो जो इंसानियत वाला एक मादा था, वो एलिमेंट था, वो कहाँ चला गया है, कैसे ख़त्म हो गया? तो उसकी रीज़न ये है कि वो जो प्रॉब्लम्स जो चारों तरफ से इंसान को घेरी हुई है, उन प्रॉब्लम के सिलसिले में जो उसके जो जज्बात जो बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं, जो उसके अंदर नेगेटिव जज्बात जो पैदा हो रहे हैं, वो उनका इस्तेमाल कर रहा है। फिर आजकल के दौर में जो हमारे अगर आप मीडिया को लीजिए और इस तरह की मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं उनके ऊपर जो पहले कोई प्रायोरिटी चेक हुआ करते थे, पहले जो उनके ऊपर कुछ मॉनिटरिंग हुआ करती थी, वो ख़त्म होने के बाद वो भी एक इसके लिए एक फर्टिलाइजर का काम कर रही है, और ये चीज़ हमारे यूथ में स्पेशली जो पेनिट्रेट करती चली जा रही है। तो लोगों में जो है वो अदम बर्दाश्त का मादा जो है वो
बर्दाश्त का मात्रा खत्म हो गया, अदब बर्दाश्त की कैफियत पैदा हो गई है। अगर आप ज्यादा दूर ना जाएं, अगर आप अभी दो दिन पहले का ही वाकया रिकॉल करें तो कोरंगी में वाकया हुआ है कि वहां पर एक शख्स का जो है गला काट दिया एक आदमी ने। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये एक्चुअली इसलिए हो रहा है कि लोगों के लिए मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं और उनको कोई दूर दूर तक उन मसाइल को हल तो खैर नामुमकिन तकरीबन हो गया है, लेकिन उस वक्त में कोई मसीहा भी उनको नजर नहीं आ रहा है। डॉक्टर हुमैरा रसूल भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा, आप क्या वजूहात समझती हैं इसके पीछे? क्या वो अनासिर हैं या कौन से वो अवामिल हैं जिनकी वजह से नौजवानों के साथ साथ मुआशरे का हर फर्द हमें इसका शिकार नजर आ रहा है? एक तो ये है कि आप पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, अगर आपका जो पॉलिटिकल निजाम स्टेबल होगा कंटिन्यूएशन में जिस तरीके से चलेगा, इसका बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है माइंड के ऊपर। और सेकंड चीज अगर देखा जाए, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, हर इंसान के पास मोबाइल है और एक्सेस है इंटरनेट का। अब इस चीज के अंदर क्या होता है, अवेयरनेस के साथ साथ बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें भी आपको मिल जाती है जो माइंड पे बड़ा नेगेटिव इफेक्ट डालती है। एवरीथिंग मतलब हर तरह की न्यूज वहाँ पे अवेलेबल है, अच्छी न्यूज भी है, बुरी न्यूज भी है। और आप सोशल मीडिया को यूज करते हैं तो उसमें जो सच्चाई को जिसे कहते हैं ना तोड़ मोड़ के भी कभी कभी पेश किया जाता है। तो एक सोशल मीडिया का ओवर यूज भी मैं समझती हूँ, ये आपको फ्रस्ट्रेशन की तरफ निकल जाता है और पेसिमिस्टिक अप्रोच को ये ज्यादा ट्रिगर करता है। इसके अलावा पॉवर्टी, अगर हमारी माशरे की बात करें, स्पेसिफिक पाकिस्तानी माशरे की बात करें, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मुझे नजर आता है, जो मैंने नोट किया है, रिसर्चर्स सोशियोलॉजिस्ट एंड क्रिमिनोलॉजिस्ट जो नोट कर रहे हैं आज कल, वो है पॉवर्टी। अगर गुर्बत का खात्मा नहीं होगा मुल्क के अंदर, तो डेफिनेटली जो आम बंदा है, जैसे कि काजी साहब ने भी कहा कि जब वो उनका डे टू डे के एक्सपेंसेस मीट नहीं होंगे तो उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन आ जाएगी। फ्रस्ट्रेशन की वजह से डेफिनेटली बहुत सारे जो साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं वो हो जाते हैं इंसान के। तो ये बहुत सारे इसके अंदर एक रीजन मुझे ये भी नजर आया कि पॉवर्टी है, लैक ऑफ एजुकेशन है हमारे माशरे को डायरेक्टली इनडायरेक्टली टेररिज्म का हमें होता है, खतरा होता है, जैसे आप इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर को देखें। तो ये कहीं ना कहीं आपके माइंड पे इसकी इफेक्ट्स रिफ्लेक्ट करते हैं। ऐसे सोसाइटी में जब आप रहे हैं जहाँ पे हर जगह इंस्टेबिलिटी हो और आप एक वॉर ऑफ टेररिज्म में आप डायरेक्टली और डायरेक्टली आप पार्ट ले रहे हो, तो उस माशरे के अंदर फ्रस्ट्रेशन और अदम जो बर्दाश्त है वो प्रिवेल करते हैं। हम देख रहे हैं कि बहुत सारे इसके रीज़न हैं, लेकिन क्या ये तमाम तर अवामिल यकदम रोनुमा हुए हैं या तमाम तर मसाइल अचानक सामने आए हैं, या 70-75 सालों से पाकिस्तान की जो सूरत हाल देख रहे हैं तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं इस मुल्क में लोगों को मसाइल का सामना रहा है, लेकिन ये मामूल नहीं था कि कोई शख्स किसी की बात सुनने का भी रवादार नहीं है। और यही नहीं बल्कि बात मुकम्मल सुने बगैर अपनी मर्ज़ी का मतलब अखज़ कर लिया जाता है। तो क्या पहले कभी कोई मसले नहीं होते थे या अब बहुत ज़्यादा मसाइल हो गए हैं जिसकी वजह से ये सब हो रहा है? काजी साहब क्या कहेंगे आप इस हवाले से? मसाइल तो देखिए हमेशा से हैं और चल रहे हैं, लेकिन जो इसमें एक बहुत बड़ा एक एलिमेंट है वो हमने ये देखा होगा कि मीडिया आजाद हो गया है और उसके अलावा हमारे जो इनमेच्योर लोग हैं उनके हाथ में मीडिया का एक्सेस आ गया। मीडिया से मुराद मेरी टीवी चैनल्स नहीं है बल्कि जो सोशल मीडिया है जो कि इस वक्त एक दैनिक खाते का काम कर रहा है, जो भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि हर चीज के कुछ मैनर्स होते हैं सोशल मीडिया को यूज करने के लिए, मैनर्स हैं नहीं पता। और चूंकि नहीं है कोई मॉनिटरिंग नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जिसको जो चाहे वो जिस तरह की चीज है वो अपलोड कर सकता है और उसको जब लाइक्स मिलते हैं तो वो बहुत बड़ा काम है, बेटर डायरेक्टर ऑल द रेस्ट। तो जो पाकिस्तान की और उसमें उनका जो टारगेट है वो हमारा यूथ है और यूथ को वो टारगेट करते हैं सोशल मीडिया पे न्यूज फैलाकर। उसको अनफॉर्चुनेटली हम लोग जो है चाहे वो मजहब से मुताल्लिक हो, चाहे वो किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी से मुताल्लिक हो, आपने देखा होगा कि पिछले
कदर बरपा हुआ है और सोशल मीडिया के ऊपर, तो उसमें लोग जो है वो यही सोच रहे हैं कि क्या मैसेज आगे करते हैं, और वो जो सोशल मीडिया एक्चुअली वो एक ऐसी चीज है क्योंकि उनके मैसेज को पहले इस तरह के वाक्यात होते थे आम लोगों से क्यों बनते थे, हर चीज आज लोग जो है जो हमारे को एक जंगल की आग की तरह अपने हाथ से मिल रहा है और इस पर इमीडिएट तौर पर जो है फौरी तौर पर कुछ काम लेने होंगे गवर्नमेंट लेवल पे भी और इंडिविजुअल लेवल पे लोगों को प्लस हमारे जो लोग जो कि उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं जिसमें हमारे अकेडमिया है हमारी जो वो लोग जो पहले बच्चों को तरबियत देना की जिम्मेदारी से बढ़ते थे और आज उन्होंने मोबाइल फोन को बचपन से दो साल के ऊपर से मोबाइल फोन करा दिया है। अनफॉर्चुनेटली उन सबको इस मामले पर गौर करना होगा क्योंकि चीज बहुत तेजी से पेनिट्रेट हो रही है और हमारे लिए ऐसा मसला बनती जा रही है दूसरे के वक्त के साथ इस काबू पर पाना जो है तकरीबन मुश्किल होगा। डॉक्टर साहिबा, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि फ्रस्ट्रेशन का शिकार है नौजवान बहुत ज़्यादा, या वो जो करना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं या देखना चाहते हैं ऐसा उनको माहौल नहीं मिल रहा, तो शायद इसकी एक बड़ी वजह ये उनके अंदर अदम बर्दाश्त बढ़ती जा रही है। लेकिन जिस तरह नुमान साहब ने बात की कि सोशल मीडिया पर हर शख्स मादर पिदर आज़ाद है और हर शख्स को आज़ादी हासिल है कि वो जो दिल चाहे कह रहा है, किसी दूसरे को किसी के बारे में कोई राय कायम कर रहा है और यही नहीं बल्कि लोगों के ऊपर इम्पोज रहा है इस चीज को कि जैसा वो चीजों को देख रहा है सामने वाला भी उसको उसी तरह से ले, तो जब हम इतनी ज्यादा आजादी देख रहे हैं तो इसका ये मतलब हुआ कि फ्रस्ट्रेशन तो ना हुई, पर जब हर तरह की आजादी हासिल है फ्रस्ट्रेशन तो वहां होगी जहां पाबंदियां होंगी, यहां तो किसी किस्म की कोई पाबंदी ही नहीं है, फिर ऐसा रुझान बढ़ता जा रहा है क्यों? अगर हम कंपेयर करें आज के दौर को और पुराने दौर को, आजकल का जो लाइफस्टाइल है वो नेचर से हट गया। पहले के जमाने में जैसे आप जल्दी उठना था मोबाइल फोन पर बात था ही नहीं और वो बड़ी एक प्रेजेंट पेशन की आप कह सकते हैं लाइफस्टाइल था, उसमें हर चीज नेचुरल थी। अब जो लाइफस्टाइल है वो आर्टिफिशियल, आप ओवर यूज कर रहे हैं इंटरनेट का, आप ओवर यूज कर रहे हैं सोशल मीडिया का, अब इसकी तो रेस चले आपके आई साइड पे वैसे इफेक्ट होगी पर मेंटली तौर पे भी आपको थका देने वाला काम है। अब चाहे आप उसको आप कितना भी यूज करते हैं कहीं ना कहीं वो आपको इफेक्ट जरूर करेगा। पुराने जमाने की डाइट देख लें, आजकल के जमाने की डाइट देख लें, छोटे छोटे बच्चों को अवेयरनेस है मोबाइल की जैसे कि गाइस आपने बताया, तो ये सारी चीजें ओवरऑल मिलकर फ्रस्ट्रेशन का बाइस डायरेक्टली इनडायरेक्टली जरूर बनती है। अगर पुराने जमाने में देखा जाए तो उस वक्त के लोगों की डाइट की वजह से, उनकी हेल्दी लाइफ स्टाइल की वजह से उनको बीमारियां भी कम थी, उनके अंदर इम्यूनिटी भी बहुत ज्यादा, आजकल इम्यूनिटी भी बहुत कम आ गई है। इम्यूनिटी कम है तो आपकी डेफिनेटली मेंटल जो एक्टिविटी है वो भी आपकी लेस हो जाएगी, तो हर चीज का एक्सेस यूज चाहे वो सोशल मीडिया का ही हो चाहे वो टेक्नोलॉजी का भी हो वो खतरनाक होता है। अपने दोनों मेहमानों से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। सनसनी के शोर में मुसद्दिका खबरों की पहचान, वोसा टीवी अब एक कदम और आगे। हालाते हाजरा, खबरें और तबसरे अब सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। अपने स्मार्टफोन और दूसरे गैजेट्स एंड्रॉइड या आईओएस के लिए डाउनलोड कीजिए वोसा टीवी की एप्लीकेशन या अमेजोन स्टिक और रोको टीवी पर देखिए 24/7 वोसा टीवी की नशरियात। हर खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहें वोसा टीवी। आप दोनों मेहमानों को प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुशामदीद कहेंगे। नौमान साहब, क्या सदबाब नज़र आता है इसका, किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है इस मसले को? आपका चूंकि नौजवानों के साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन है और उनकी मुख्तलिफ तकरीबात में अक्सर इजहार ख्याल भी कर रहे होते हैं मुख्तलिफ मौजूदात पर, तो आप क्या समझते हैं कि आज के नौजवान को किस तरह ट्रीट किया जा सकता है इस सिचुएशन से बाहर लाने के लिए?
देखिए हमारी भी कोशिश यही होगी, जिन तारीख का आपने जिक्र किया है, जो हम अकेडमी में जाके मुख्तलिफ इस तरह के प्रोग्राम्स परफॉर्म करते होते हैं, उसमें हमारी कोशिश यही होती है कि हम अपनी यूथ को, जो हमारा मुस्तकबिल है, जो पाकिस्तान जिनके हाथों में जाना है, और उनसे हमें बहुत कंसर्न है, हमें उनसे जहाँ तबाहन उनको एड्रेस करने के लिए मिक्स होते हैं, उनके साथ जाकर उन्हें बताते हैं कि कौन सी फॉल्स प्रैक्टिस हैं, कौन सी चीज़ें जो आपको इख्तियार करनी है, कौन सी उन्हें जो आपने इख्तियार नहीं करनी। सो हम ये चीज़ें बता रहे होते हैं। आप ये बात के ऐसी जो आपने कहा कि मीडिया जब उनको आज़ादी है, रुकावट नहीं है, तो फिर ये किस किस्म की फ्रस्ट्रेशन है? देखिए फ्रस्ट्रेशन जरूरी नहीं है मेरी फ्रस्ट्रेशन जो है वो मुझे रोका जा रहा है एक काम से, तो मैं उसकी फ्रस्ट्रेशन काम नहीं कर रहा। मेरी फ्रस्ट्रेशन जो रीजन उसकी ए हो, उसकी मैं जो उसको निकालूंगा, तो मेरी के जो रीजन तो हो या ऑप्शन सी हो या डी हो, तो मैं जो अपने दिमाग पे प्रेशर ले रहा हूँ किसी एक्स वाई की रीजन की वजह से, लेकिन उसका जो रिएक्शन दे रहा हूँ वो मैं बिल्कुल और दे रहा हूँ, तो ये वो चीज़ है जिसको फोकस करने की जरूरत। अब बात आती है कि वो क्या चीज़ें हैं जिनके थ्रू हम पाकिस्तान भी गलत चल रहा है, मुल्क भी गलत चल रहा है, तमाम इदारे भी गलत चल रहे हैं, सब कुछ गलत चल रहा है, तो ऐसी इंसान के पास मायूस के अलावा कुछ नहीं रहता। लेकिन आप देखिए कि माशाल्लाह कोविड के 2 साल किस तरह से पाकिस्तान ने सर्वाइव किया है, क्या ये आई ओपनर नहीं है? जैसे दुनिया ने पाकिस्तान को, पाकिस्तान के दुनिया का डेडिकेट किया है, तो उन्होंने किस तरह से अपने आप को जो है वो किया इस पैंडेमिक से, तो पॉजिटिविटी दिखाने की जरूरत है, पॉजिटिव ऑप्शन छोड़ने की जरूरत है, और जो हमारे यूथ है उनको अकेला छोड़ने के बजाय उनको कानून धारे में शामिल करने की अशद जरूरत है, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज पैदा करने की जरूरत है। हम अनफॉर्चुनेटली अगर हमें किसी को अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम उसके ऊपर इस तरह से काबिज हो जाते हैं कि बस हमने अपने क्षमता को जगह को छोड़ना नहीं, हमें अपने यूथ को आगे लाना होगा, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज पैदा करनी होगी, इस तरह के फोरम्स क्रिएट करने के लिए, यहाँ पर ऐसी अपॉर्चुनिटीज पैदा करने के लिए बात हो सके। हम अपने लेवल पे काम कर रहे हैं, लेकिन यकीन मैं अकेला या मैं ऑर्गेनाइजेशन करता हूँ, तो मैं उस ऑर्गेनाइजेशन के लेवल तक जाकर पूरे पाकिस्तान के यूथ प्रॉब्लम्स को ओवरकम नहीं कर सकता। मैं शायद उसमें अपना हिस्सा जरूर डालूँगा, क्योंकि खतरे के मुताबिक होते हैं इनके भी, अगर इसमें फायदा जो हमारे सोचे और इन चीज़ों के लिए ऐसे सोल्यूशन को लेकर आए जो कि हमारे वो चीज़ें बताएं। आप दुनिया में जाए देखा पाकिस्तान भारत के लिए, वहाँ पर दुनिया में इस वक्त टेक्नोलॉजी को देखकर हमारे कॉन्फ्रेंस जोड़ी जाने के लिए होते हैं, और वो ऐसे ऐसे सोल्यूशन बना के ला रहे हैं के बारे में पाकिस्तान में करना तो दरकरार, अभी उसके बारे में सोचना ही शुरू नहीं। तो हमें किस तरह ध्यान रखना होगा, हमें जो जो लोग करते हैं, जो लोग अखबार को ओन करते हैं, उनको प्रमोट करना होगा जैसे पहले होती थी, क्योंकि उनके ऊपर एक पाबंदी होती थी, उनके ऊपर एक मॉनिटरिंग सेल की पाबंदी होती थी कि वो नेगेटिव खबरें गैर पब्लिसिटी शायद कर सकते थे, उनको दे दी गई है कि उनके डॉक्टर साहिबा, जिस तरह हम पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ आम रूटीन में बहुत ज़्यादा डिस्कशन होने लगे हैं या बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है सियासतदानों को तनकीद का निशाना बनाने, उनके अमल को डिस्कस करना, बिलखसूस जिस तरह से गुज़िश्ता चंद सालों से पाकिस्तान का सियासी माहौल अफरा तफरी और इंतशार का शिकार है। क्या आपको नहीं लगता ये सियासतदान नौजवानों को सुधारने के बजाय उनको राह से हटा रहे हैं और उनको जिस रास्ते पर चलने की तलकीन कर रहे हैं, इससे ये मज़ीद मुंतशिर होंगे? तो क्या किरदार होना चाहिए सियासतदानों का इस तमाम अमल में? पॉलिटिकल पार्टी का मतलब है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, लेकिन वो किस किस्म की स्पीच की जा रही है, वो क्या दूसरों को किस कदर असर अंदाज हो रही है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आजकल अब देखा जाए जो यूथ हमारी है जो फॉलो कर रही है, अंधाधुन फॉलो कर रही है, उनको नहीं पता, आपको देख रही होंगी कि पॉलिटिकल पार्टी में किस तरह का बिहेवियर शो किया जाता है, मतलब वो हल्का हल्का ऐसा फील हो रहा है जैसे इनटॉलरेंस की तरफ सोसाइटी को धकेला जा रहा है। जब इनटॉलरेंस प्रिवेल करेगी
पॉलिटिकल पार्टी के लेवल पे हो या ओवरऑल सोशल एक्टिविटीज के लेवल के ऊपर है, वो कहीं ना कहीं आपको एक गलत मौसम को वो जन्म देना शुरू कर देता है, मतलब स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि झूठ को आप अगर कुछ चीज बता रहे हैं फ्रीडम के नाम पे, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे, वो क्या चीज है? वो आए उनकी बेहतरी के लिए है भी या नहीं है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे माशरे के अंदर ओवरऑल, चाहे वो पॉलिटिकल एक्टिविटी हो चाहे कोई भी एक्टिविटी हो, सब्र और बर्दाश्त नहीं रहा है। पुराने वक्तों का अगर कंपेयर किया जाए तो वहाँ पे सब्र और बर्दाश्त नजर आता था, आजकल दोनों चीजें हमारे माशरे के अंदर बिल्कुल भी नहीं रही। तो जब अगर आप पॉजिटिव एक्टिविटी करते हो किसी भी लेवल के ऊपर, तो आपने ये इनिशिएटिव ये लेना है कि अपने यूथ को हमने गाइड करना है, किसी भी तरीके से मिस गाइड नहीं करना है अपने मफाद के खातिर। अगर आप उनको यूज कर रहे तो इसका ये मतलब अपने मफाद के खातिर आप यूज कर रहे हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर आप अगर उनको उस तरफ लेकर जा रहे हैं कि जो जहाँ पे लड़ाइयाँ हो जाए या फिर आपस में तकरार और बहस हो, मोबाइल से हो जाए, तो एक बहुत ही गलत चीज है, गलत बात है। तो हम क्या कर सकते हैं, क्या किसी किस्म के कोई पैगामात अपने यूथ तक पहुंचा सकते हैं, किस तरह के प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं? तो क्या हम तालीमी इदारों में कोई ऐसे सेमिनार्स रख सकते हैं कि जहां लोगों को पैगाम दिया जा सके? इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यह है कि जहाँ पे आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं और वहाँ पे एक अलग से साइकोलॉजी का एक सब्जेक्ट उनको पढ़ाना शुरू करें, जहाँ पे उनके माइंड की एक एक्सरसाइज की जाए, उनको एक पॉजिटिव अप्रोच की तरफ लेकर आया जाए हमारे यूथ को, उनको बताया जाए ये तरीका सही है और ये तरीका गलत है। तो ये हर इंस्टीट्यूशन में जो एजुकेशन से रिलेट करता है, आप उसमें आप बिल्कुल क्लासेस ले सकते हैं, उनकी काउंसलिंग सेशन हो सकती है, उनको एजुकेट कर सकते हैं रिगार्डिंग साइकोलॉजिकल इश्यूज और जो उनका सोशल प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं उसके लिहाज से। नौमान साहब, आप क्या तजवीज़ देना चाहेंगे इस सिलसिले में कि इस मसले पर कैसे काबू पाया जाए? जो जो एक हमने प्रोफेशनल इकोनॉमिक्स ऑफ पाकिस्तान का जो मैं डायरेक्टर भी हूँ उस ऑर्गेनाइजेशन का, उसके लेवल पे हम ये काम ऑलरेडी कर रहे हैं कि हम कराची की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी की मुख्तलिफ एडमिक जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर हम ये काम कर रहे हैं कि हम वहाँ पर जो साइकोलॉजिकल सेशन जो है ट्रेनिंग के सेशन हम वहाँ पर करवा रहे हैं। और ये बिल्कुल एग्जैक्टली सही कहा डॉक्टर साहब ने कि ये वो चीज़ है जिसके थ्रू हम इन चीज़ों को ओवरकम करने की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं। और इसके लिए जो बच सके इसके लिए कोई एक दो लोग नहीं बल्कि एक मेजॉरिटी को इस पर काम शुरू करना होगा मुख्तलिफ लेवल्स पे। अगर ये कम्युनिटी लेवल पे, अकेडमिया लेवल पे, सिटी लेवल पे इस तरह की लोगों को वो अपॉर्चुनिटीज हाईलाइट करके बनाई जाएंगी जो कि अनफॉर्चुनेटली उन्होंने सोशल मीडिया की बड़ी तरह में दबा दी है, तो फिर वो उसको अवेयर कनेक्ट कर पाएंगे। देखिए कभी उनको मौका मिलता है, अगर आप देखिए कराची शहर की अगर आप मिसाल ले लीजिए, कोई अगर एक मैच होता है तो स्टेडियम भर जाता है वहाँ पर, तो यूथ अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं। यूथ जो है वो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ जो है वो गलत चीज़ों को अडॉप्ट कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पॉजिटिव चीज़ें दिखानी होंगी। जब उनको दिखाई जाएंगी, जब उसके फायदे उनको बताए जाएंगे, जब वो उसके साथ जब वो इंटरेक्ट करेंगे तो उसका फ़ायदा उनको जो प्रैक्टिकली नज़र आएगा, तो कोई इसमें डाउट नहीं है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का आपने वक्त दिया प्रोग्राम के लिए। बिलाशुबा तमाम मसाइल का हल होता है, कोई मसला ऐसा नहीं जो हल ना हो सके। इस लिहाज से अदम बर्दाश्त के रुझान पर भी काबू पाना मुमकिन है, लेकिन ये किसी एक के करने से नहीं हो सकता, इसके लिए इज्तमाई कोशिशें करने की ज़रूरत है। इसके नतीजे में शायद सुनहरा माजी लौट आए कि जब हमारा समाज आला इखलाकी इकदार, मोहब्बत, बर्दाश्त, रवादारी की खसूसियात से मुजैन था। लोग एक दूसरे का एहतराम करते थे, एक दूसरे का ख्याल रखा जाता था, लड़ाई झगड़ों का तस्वुर ही ना था। वो सुनहरा दौर वापस आ सकता है, इसके लिए हर मकतबे फिक्र के अफराद को ठंडे दिल से गौर फिक्र करने की ज़रूरत है। ये हकीकत है कि हम अगर अपने अंदर बर्दाश्त का मादा पैदा कर लें तो सूरत हाल खासी बेहतर हो सकती है। सिर्फ बर्दाश्त पैदा करने से ही माशरे का अमन व चैन लौट सकता है। इंसान होने के नाते किसी पर भी तशद्दुद करना किसी तौर मुनासिब नहीं, ये हर लिहाज से काबिल मुज़म्मत अमर है। लिहाजा बेहतरी इसी में है कि तशद्दुद और अदम बर्दाश्त के रवैयों से जान छुड़ाई जाए, आला इखलाक इकदार को फ़रोग दिया जाए, एक दूसरे का एहतराम किया जाए और इंसानियत का दर्स दिया जाए। आज के इस प्रोग्राम के लिए इतना ही, अगले हफ्ते एक और मौजू के साथ हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।